ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश राठी और यार इस वीडियो के अंदर में हम लोग WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग देखें किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जुगाड़ दुक्का ट्रिक्स बेसिकली हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। एग्जाम में कई बार क्या होगा, सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वहाँ पर आप लोग क्या करते हो क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हो। तो क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है, उल्टी खोपड़ी लगा करके आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ताकि जो भी क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ते हो वहाँ से भी आप लोग नंबर बूस्ट कर पाओ, अपने नंबर को आप बढ़ा पाओ और जादवपुर यूनिवर्सिटी को जो है आप लोग सिक्योर कर पाओ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्पोर्ट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBGE के अंदर में स्कोर 20, 30, 40, 50, 60 इस रेंज में आपका स्कोर अगर अटका पड़ा है, अगर आपको स्कोर को इम्प्रूव करना है 70, 80, 90, 100 इस रेंज में लेकर के जाना है, जादवपुर यूनिवर्सिटी को अगर आपको सिक्योर करना है कम टाइम में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप नंबरों किस तरीके से बढ़ा सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। कोर्स एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है, सारी डिटेल्स पढ़नी है, अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है, डिजिटली आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। कोर्स के अंदर में क्या होगा, ऑन स्पॉट ट्रिक्स, एग्जाम टाइम सिनेरियो के अंदर में कैसे आप ट्रिक्स लगाओगे, फुल पेपर के अंदर में आप किस तरीके से ट्रिक्स लगाओगे, ट्रिक्स के जो प्लस माइनस है, रिस्क मैनेजमेंट आप समझोगे, कम टाइम में आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे ये आप समझोगे, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन, सारी चीज़ें आप लोग समझोगे। जादवपुर पहुंचने का जो सफ़र है वो आपका ये कोर्स पूरा कर सकता है। 25-30 नंबर आप आराम से जो है इस कोर्स से जो है बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके आप लोग एनरोल करो। आपके बाकी सारे कंप्यूटर्स जो है कोर्स के अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, आपके सीनियर्स बहुत सारे जो है इन कोर्सेज के फायदे ले करके जादवपुर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। इस साल का अपडेटेड कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है, ₹799 में अभी कोर्स अवेलेबल है आफ्टर डिस्काउंट, एंड साथ में आपको 2022 का कोर्स जो है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कुछ दिन हमारे पास में ये ऑफर रहेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग जाके इसका फायदा उठा लो एंड कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो, अपने सिलेबस को फास्ट कवर करो और ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने नंबर को जल्दी से जल्दी इंप्रूव करके जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस WBGE में से, ठीक है। WBGE 2021 के आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपके सामने चार क्वेश्चंस केमिस्ट्री का उठा लिया है और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे यार जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। तुक्का मारने के ना यार बहुत सारे तरीके होते हैं, जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स किसमें, केमिस्ट्री में, WBGE के अंदर में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, WBGE तुक्का ट्रिक्स अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग देखो, समझो किस तरीके से तुक्का मारते हैं। WBGE के अंदर में यार ऑप्शन एलिमिनेशन करना बहुत आसान होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना, ठीक है। मतलब क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 12, उसको काटो, सबसे छोटा क्या है 6, उसको काटो, बीच वाले जो वैल्यूज है ना उसमें आप तुक्का लगाना। मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर का, 1, 2, 3, 4। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या करोगे, ए और बी में से तुक्का लगाओगे, समझ गए। तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सही होने की, एक्सट्रीम ऑप्शंस आप देखोगे 10 में से 7-8 बार आप देखोगे एक्सट्रीम ऑप्शंस जो है ना वो करेक्ट नहीं होते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है कि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है ना, तो वो अपने करेक्ट आंसर को ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में नहीं रखता, ठीक है। जैसे ये सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है, तो ऐसे आंसर आपको कम देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं बीच में छुपा होगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। ऐसे कोने में आपको आंसर अक्सर देखने को नहीं मिलेंगे, कभी कभी देखने को मिलेंगे, जनरली नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप बीच वाले में जस्ट तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, कभी भी आपको ऐसा मिल जाए प्लस प्लस, ठीक है, या माइनस माइनस, आप ऐसे ऑप्शंस से दूर रहो। प्लस माइनस का अगर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए या माइनस प्लस का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ऐसे ऑप्शंस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तुक्का ट्रिक्स देख रहे हैं ना।
अब आप ब्लाइंड तुक्का मत मारो, ब्लाइंड तुक्का मारोगे गलतियाँ होंगी, मेथड्स को सीख के तुक्का मारो, ठीक है। तुक्के के अंदर में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सो कभी भी आपको क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, चांसेस कम है होने के, दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं, चांसेस कम हैं, तो ऐसे ऑप्शन से दूर रहो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप बी और सी में से यहाँ पर तुक्का लगाओगे। आप लोग करके देखो, अभी कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग तुक्का लगाओ, ठीक है। इसके मैं करेक्ट आंसर की आपको बताऊंगा, आप खुद बताना आपके कितने सही हुए चार में से, ठीक है। नीचे जाओ कमेंट में, पहले ऑप्शन का बताओ ए और बी में से क्या तुक्का लगाओगे, सेकंड ऑप्शन का बताओ बी और सी में से क्या तुक्का लगाओगे, समझ रहे हो। आप ऑप्शंस को एनालाइज करो, जो जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ उस मेथड्स को फॉलो करते हुए आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको रिपीट होती हुई दिख रही है बार बार, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है ना, समझ जाओ करेक्ट आंसर वहीं छुपा है। जैसे आप देखो यहाँ पर आपको 444 तीन बार दिख रहा है, 2.5 सिर्फ एक बार दिख रहा है, तो 2.5 को आप एलिमिनेट कर दो, समझ रहे हो। फिर आप देखोगे -4 -4 आपको दो बार दिख रहा है, तो -3 और -5 को नेग्लेक्ट कर दो। जो चीज़ ज़्यादा बार दिख रही है, 4 ज़्यादा बार दिखा तो 4 को प्रेफरेंस दो, पावर में -4 ज़्यादा बार दिखा तो उसको प्रेफरेंस दो, तो कुल मिला के 4×10⁻⁴ को आप प्रेफरेंस दोगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए ऑप्शन को आप जो है गेस करोगे, ठीक है। गैस आपको तब करना है ना जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तब ये सब नहीं करना, समझ रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बढ़िया बात है, हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तब आपको तुक्का ट्रिक्स के अंदर में जाना है। जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, सपोज WBJEE में आपने 200 में से 50 नंबर सॉल्व किया, अब उस 50 को अगर आपको बढ़ा करके मान लो आपको 90-100 तक लेके जाना है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना। तो बचे हुए क्वेश्चंस के लिए है ये चीज़, ठीक है। और मेथड भी इस तरीके के हैं कि आप पॉजिटिव स्कोर ही लेकर के आओगे, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, एक लग रहा हो, डर सा लग रहा हो, तो आप लोग ना एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में आ जाओ। WBJEE 2023 का जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, उसके अंदर में ना आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स दिखाया जाता है। ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स लगाना है, फुल पेपर के अंदर में रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सारी चीज़ों को कवर करते हुए, लेटेस्ट पेपर्स को कवर करते हुए, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस, सारी चीज़ें अगर आप लोगों को कवर करनी है, WBJEE 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो। अभी डिस्काउंट में चल रहा है, इसकी प्राइस है ₹799 आफ्टर डिस्काउंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में 2022 का कोर्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, 2023 के कोर्स में एनरोल करने पे 2022 का कोर्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कुछ दिन में ये ऑफर एंड होने वाला है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, आपके जादवपुर जाने तक का जो सफ़र है वो ये कोर्स पूरा कर सकता है, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में जो चीज़ आपको ज़्यादा बार दिख रही है, जो चीज़ आपको रिपीट हो रहा है ना ऑप्शंस में, जैसे यहाँ पे हमारा 444 रिपीट हुआ, 10⁻⁴ रिपीट हुआ, तो वैसे आप देखो यहाँ पर भी आप देखो 0.5 रिपीट हुआ, समझ रहे हो, दो बार 0.5 दिया है ना। तो आप कोशिश करो ए और बी में से तुक्का लगाने का, जो चीज़ ज़्यादा बार आपको दिख रही है उसमें आप तुक्का लगाने का ट्राई करो, ठीक है। जो कम बार दिख रहा है उसमें आप तुक्का मत लगाओ, जैसे यहाँ पे 1 एक ही बार है, मत लो उस पे चांस, 2 एक ही बार है, मत लो उस पे चांस, है ना। 0.5 दो बार है, तो 0.5 यहाँ भी है, 0.5 यहाँ भी है, इस पे आप चांस लो, क्योंकि समझना आपको पड़ेगा कि देखो 0.5 ऑप्शंस में है, टीचर ने डाला, दो बार क्यों डाला, चांसेस हाई है 0.5 के सही होने का, तभी तो टीचर ने दो बार डाला है, टीचर भी आपको कंफ्यूज करना चाहता है, तो उसने आपको दो बार 0.5 दिया और फिर वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है यूनिट्स के अंदर में, तो टीचर की साइकोलॉजी समझो, वो आपको कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, वो आपको 0.5 में कंफ्यूज कर रहा है, तो आप भी चालाक बनो, 0.5 में ही तुक्का लगाओ, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना सही होने की, यहाँ टीचर जहाँ जहाँ कंफ्यूज किया उसी में हमने तुक्का लगाया, यहाँ एक्सट्रीम वाला फंडा हमारा काम आया, यहाँ पे क्या हमने प्लस प्लस के कॉम्बिनेशन और माइनस माइनस के कॉम्बिनेशन से दूर रहो, प्लस माइनस का जो क्रॉस कॉम्बिनेशन होता है ना उसमें आंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखो आप अपने करेक्ट आंसर्स क्या तुक्के मारोगे, मैं आपको करेक्ट आंसर की बता देता हूँ। आंसर की हमको जहाँ तक है दिया हुआ है ए सी ए ए, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग, पहला का ए दिया हुआ है, दूसरे का सी दिया हुआ है, ठीक है, ए सी और फिर ए ए, ए सी ए
ए, ठीक है, ये हमारे पास में आंसर की दिया हुआ है, चेक कर लेना आप लोग, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ चार में कितने सही हुए, एक तो मैंने सही करा ही दिया, ठीक है, बाकी तीन में से अगर कोई एक भी सही हो गया होगा सपोज कर लो, तो दो सही हो गए तो दो नंबर, और दो गलत हो गए तो -0.5, तो +1.5 का तो आपने बूस्ट किया ना स्कोर को, समझ रहे हो, 1.5 का तो आपने क्या किया, बूस्ट किया स्कोर को, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल तरीका है, आप सोचो अगर चार नंबर का अटेम्प्ट करके आप 1.5 लाते हो तो 200 का अटेम्प्ट करके आप 75 नंबर तो ऐसे ही ले आओगे +75, समझ रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आजकल जादवपुर का कट ऑफ बहुत कम है, 50-60 नंबर 70 नंबर में लोग अंडर 1000 अंडर 2000 2500 रैंक ले आ रहे हैं, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ऐसे में, क्योंकि कट ऑफ कम जा रहा है, अगर आप ट्रिक से नंबर बढ़ा लो 20-30 नंबर आप ट्रिक से आराम से बढ़ा सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, देखते चले जाओ एपिसोड्स को, आप देखते चले जाओ, और साथ में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जिसके बारे में बताया इसमें एनरोल कर लो, इसको मिस मत करना, ठीक है। इसमें जितना जल्दी एनरोल करोगे, सीखोगे सारी चीज़ों को, अप्लाई करोगे मॉक टेस्ट वगैरह में, काफ़ी आपको स्कोर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है, तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।